प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। है समय जान ले, अब मान ले, क्या तूने है किया, बस तू खुश रहे, तूने समझा, औरों को बस दुख दिया। खुद की भलाई में जीवन बिताया, औरों का क्या हुआ। कई बार मेरे यार धोखा दिया, तूने है ये सब किया। जो हुआ है उसे भूल जा, आके यीशु को बता, कर ले भरोसा, क्षमा मांग ले, सुन लेगा तेरी वो सदा। तो कर इकरार, कह दे तुझे है प्यार खुदावन से, वो करता तुझसे प्यार इंतजार, जल्दी आ मेरे न्यार। आज का संदेश ब्रदर रवि कुमार आगरा से बांटा जाएगा, प्रार्थना के साथ सुनिए। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर की स्तुति हो। आज मनन के लिए हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। वहाँ ऐसा लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ठीक है, हम परमेश्वर से मदद मांगेंगे, इससे हम परमेश्वर हमें बुद्धि दे। और हम इसमें 4 बातें आपको बताएंगे। पहली बात, वह क्या था, अनुग्रह से भरा हुआ था, या उसके पास क्या था, अनुग्रह था। दूसरी बात, वह कौन था, हम इसमें ऐसा पढ़ते हैं, धनी, धनी होकर भी, ठीक है। तीसरी बात, वह क्या हो गया, कंगाल बन गया। और हम चौथी बात ऐसा पढ़ते हैं, क्या बना गया हमें, हम इसी आयत में देखते हैं, तुम धनी हो जाओ। ठीक है, हम एक एक बात को आज मनन करेंगे। पहली बात, वह क्या था, या उसके पास क्या था। हम सब जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास क्या था, अनुग्रह था, अनुग्रह से भरा हुआ था। हमारा प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण था और अनुग्रह से भरा हुआ था। हम ऐसा पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। हमारा प्रभु अनुग्रह से भरा हुआ था। ऐसा भी हम पढ़ते हैं, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो डेरा मिलाप वाला तंबू को बताता, प्रभु रहने के लिए आया, सच्चाई से परिपूर्ण होकर अनुग्रह से हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। ठीक है, हमने एक बात को देखा, वह क्या था, उसके पास क्या था, अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ।
परिपूर्ण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। दूसरी बात, वह कौन था? हाँ, मसीह दूसरा कौन थे, 8:9 पढ़ते हैं, धनी होकर भी, धनी था, आकाश और पृथ्वी का मालिक, सारे संसार का मालिक, सारे सृष्टि का स्वामी, उसको रचने वाला, वो धनी था। आप अगर वचन से देखेंगे तो कुलुसी की पत्री में हम अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा पढ़ते हैं, उनके बारे में अगर कुलुसियों 2 में हम इन बातों को देख सकते हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। अगर और भी हिंदी वर्जन को साफ से पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लगे, जिसमें बुद्धि और धन के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इतना ही नहीं, उस क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह था। कौन था? धनी था। तीसरी बात इसी में देखेंगे, वह क्या हो गया? ऐसा पढ़ते हैं, कंगाल बन गया। 3.5 की सेवकाई में सब कुछ लुटा दिया। भजन संहिता में ऐसा पढ़ते हैं, जो मैंने लूटा नहीं वो मुझको भरना पड़ा, मुझको देना पड़ा। आप मती में ऐसा पढ़ेंगे, जब एक प्रश्न आया, कैसर को कर देना उचित है या नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास एक सिक्का भी नहीं था, उसने कहा एक सिक्का मुझे दिखाओ। इतना नहीं, मंदिर का कर देने वाला, पत्रस से पूछा, मर्द मंदिर का कर कौन देता, अपनों से या परायों से? पत्रस बोलता परायों से। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पराया हो गया, अपना था मगर पराया कर दिया। एक सिक्का भी उसके पास नहीं था। ऐसा और भी सुसमाचार में पढ़ते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे लोमड़ियों के बट होते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सिर धरने की भी जगह नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? कंगाल हो गया। इतना नहीं, आखिर में क्रूस पर उसने बहुमूल्य लहू बना बहाकर हमको तो खरीद लिया मगर अपने आप को लुटा दिया। इतना, एक एक उसका हड्डियों का जोड़ उखड़ गया, जीभ तालू से चुपक गई, सब लोग होठ बिचकाते थे, छावनी के बाहर भी उसका कितना ठट्ठा उड़ाया। प्रभु हमारे लिए ये सब हो गया। और चौथी बात इसमें जो देखते हैं, वह क्या बना गया, हमें क्या बनाया गया? इसी आयत में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, तुम धनी हो जाओ। प्रभु हमको धनी बना गया, हमको उद्धार दे गया। रोमी के पत्री 10:10, मुँह से अंगीकार कर मन से विश्वास कर कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें धार्मिकता दे गया, ऐसा हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हमें अपना धार्मिकता हमको दे गया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और इतना ही नहीं, हमें क्या बना गया? स्वर्गीय स्थानों में बैठा गया। इफिसियों में आप पढ़ेंगे तो हमें प्रभु स्वर्गीय स्थानों में बैठा गया, कितना काम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कर गया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रभु इतना काम कर गया, वह क्या था या उसके पास क्या था? वह कौन था? धनी था। वह क्या हो गया? कंगाल हो गया। और क्या बना गया? हमें धनी बनाया गया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।